हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। हमने सब्जेक्ट वाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, जिसका ये नेक्स्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये एमसीक्यूज जो है ये आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, सिर्फ नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में मिलेगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसे प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी नए वीडियोज़ बनाने की, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। तो किस दो कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है? तो जो पहली कैटेगरी है वो है, एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड है कॉपीराइट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में, एक कॉपीराइट प्रॉपर्टी में, ठीक है, कॉपीराइट में, ठीक है। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। विच आर द एरिया इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जो उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन वन है, इन्वेंशंस, ठीक है, इन्वेंशंस है, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ सोर्स। तो ये जो सारी है ये किस में आ जाती है? ये आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द एरियाज ऑफ इंक्लूडेड इन कॉपीराइट? कॉपीराइट के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको कितने ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज करवा रही हूँ और डेप्थ में एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। एक एक क्वेश्चन में, एक टॉपिक में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं करवा रही हूँ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, जिसमें बता रहे हैं लिटरेसी, कॉपीराइट किस उसके एरिया, कॉपीराइट का एरिया क्या है, लिटरेसी है, आर्टिस्टिक वर्क है लाइक पोएम, फिल्म, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक वर्क इटीसी, मतलब लिटरेचर भी आ गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आईपी में दो डिवीजन है, इंडस्ट्रियल एंड कॉपीराइट, ठीक है। और इंडस्ट्रियल के अंदर हमने क्या देखा और कॉपीराइट के अंदर हमने क्या देखा, तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो वो याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज WIPO स्टैंड्स फॉर? तो WPS जो है वो क्या स्टैंड करता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1967 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड कॉपीराइट एक्ट 1957 केम इनटू इफेक्ट? कब इफेक्ट आया था जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का? तो वो आया था ऑप्शन थ्री, मतलब एक्ट तो 1957 का था बट इफेक्ट में, मतलब किसी चीज़ को चलने में टाइम लगता है ना, आपने एक्ट तो बना दिया बट उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, तो एग्जीक्यूट हुआ था वो 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, prior to the act of 1957 the law of copyright in our country was governed by which copyright act? तो किस copyright act के को बोल सकते हैं देख के या govern करके हमारा जो act है prior to the act of 1957 कैसे बनाया था? तो वो उसका जो right answer है, उसका right answer है copyright act 1914, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1914 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ? इसमें से कौन सा जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेट नहीं करता है? तो ये हम समझ लेते हैं, फिर इसमें से जो बाकी के तीन ऑप्शंस हैं वो रिलेट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। तो अगर इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो है ऑप्शन फोर, कस्टम एक्ट 1962। ये जो है ये कॉपीराइट एक्ट से इसका पार्ट नहीं है, कॉपीराइट एक्ट से ये रिलेट नहीं करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। बट कॉपीराइट एक्ट से क्या रिलेट करता है? ट्रेडमार्क एक्ट 1990,
कॉपीराइट एक्ट 1957 और पैटर्न एक्ट 1970। आप इस तरीके से इसे याद रख लोगे तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर लास्ट हाउ लॉन्ग। जो कॉपीराइट है वो एक ऑथर के लिए कब तक रहता है, मतलब कितने टाइम तक रहता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। मतलब जो ऑथर है जब तक वो ज़िंदा है, ठीक है, वो ज़िंदा है तब तक वो जो भी वो बना, मतलब जो भी वो लिखता है उसका कॉपीराइट उसी के पास रहेगा जब तक तो वो किसी को हैंड ओवर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद उसके मरने के भी 60 ईयर्स तक वो रहता है। बट इसी के इसी जगह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं रविंद्रनाथ टैगोर का, कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको तो मरे हुए मतलब उनकी डेथ को 60 ईयर्स तो काफ़ी बहुत दिन पहले हो चुके हैं, है ना। तो क्या उनकी जो लिखी हुई किताब है क्या उसका कॉपीराइट मैं ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। बिकॉज क्यों? उनकी अभी भी जो उनकी फैमिली है, उनके जो बोल सकते हो फॉलोवर्स हैं, वो अभी भी हैं, वो कॉपीराइट जो है वो आपको नहीं लेने देंगे, ठीक है। वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे, मतलब उनके 60 ईयर्स होने के बाद भी वो कॉपीराइट आप नहीं ले सकते। आप अगर सोचोगे कि हाँ मैं गीतांजलि जो है उनकी लिखी हुई जो किताब है उसको मैं ले लेता हूँ, पर नहीं, हम नहीं ले सकते उसे। उसके बाद भी अगर टेक केयर करने वाला कोई अगर है तो आप उस कॉपीराइट नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बट आपको मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, वैसे तो राइट आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइट ऑफ अ पैटनी आर, जो पैटनी है उसके राइट्स क्या है। तो उसके जो राइट्स है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। एक पैटनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है और असाइन कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी टू अदर्स को, ठीक है। इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोस्ट कंट्रीज जनरली हाउ लॉन्ग डज कॉपीराइट राइट लास्ट फॉर। मतलब अदर्स कंट्री में कैसे कितने टाइम तक रहता है। हमें तो पता चल गया कि इंडिया में तो इतना रहता है ऑथर की जो लाइफ होती है और उसके बाद 60 ईयर्स, ठीक है। तो अदर कंट्री में कैसे रहता है, मतलब बाहर कैसे कितना टाइम मिलता है कॉपीराइट को। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ। मतलब जो ऑथर है, जो क्रिएटर है, उसकी जो जब तक वो ज़िंदा है तब तक तो उसका कॉपीराइट कोई उससे नहीं ले सकता। उसके मरने के भी 50 साल तक वो कॉपीराइट उसी के पास रहता है, ठीक है। उसके बाद कोई ले सकता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी मैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको कहीं और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सब्जेक्ट वाइज है, जो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम्स में, DSSB में बोल लीजिए, या फिर जो ड्यू के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, PA लाइब्रेरी अटेंडेंट, SPA लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिनके भी पेपर होने वाले हैं, पंजाब के पेपर होने वाले हैं लाइब्रेरी फील्ड के, ठीक है। UGC नेट में आते हैं कंसेप्ट बेस वाइज क्वेश्चंस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं उच्च जगह के लिए। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से रिवाइज करो, वीडियोस बार बार देखो जिससे आपको ये याद हो जाए। और प्लीज़ इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।